हेलो स्टूडेंट, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, WBC है। तो WBC को हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, या हम इसको बोलते हैं हमारा क्या बोला जाएगा, लिम्फोसाइट्स कहते हैं। यहाँ पे हम बात किया जाए तो WBC को हम लोग एक और भी नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स को हम लोग कहा जाता है तो सफेद रक्त कणिकाएं, क्या बोलते हैं, सफेद रक्त कणिकाएं। यहाँ पे हम बात किया जाए तो हमारा देखा जाए जो WBC जो होता है वो कलरलेस होगा, क्या होगा, कलरलेस होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। इट मीन्स इसमें हीमोग्लोबिन अब्सेंट होगा। यहाँ पे देखा जाए इसकी संख्या जो होती है TLC में काउंट की जाती है। TLC जो हमारी होती है उसको बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। तो WBC का जो होगा वो MMQ में होगा, और इसकी संख्या जो होती है वो 6000 से लेकर 8000 MMQ में होती है। इट मीन्स कह सकते हैं हमारा ये 6000 से लेकर 8000 MMQ में इसकी TLC काउंट होती है। यहाँ पे बात किया जाए तो हमारी जो है, आपको पता है कि WBC की संख्या जब इंक्रीज होती है तो भी डिजीज होता है, कम होती है तभी भी हमारे क्या होगा, डिजीज होगा। तो यहाँ पे देखिए TLC की संख्या जब इंक्रीज होती है तो हमारा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा जो है ल्यूकोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है कि TLC की संख्या क्या होती है, इंक्रीज होगी। TLC की संख्या इंक्रीज मतलब हमारा जो है WBC MMQ की संख्या जो होती है वो इंक्रीज होगी। दिस कंडीशन ऑकर इन द बैक्टीरिया एंड वायरस इन्फेक्शन। यह जो हमारा कंडीशन जो इसकी जो होती है, क्या क्या होती है, वो जीवाणु के द्वारा या वायरस के इन्फेक्शन के द्वारा इसकी संख्या क्या होती है WBC की, बढ़ जाती है। तो जिससे हमारा कौन सा डिजीज होता है हमारा, तो क्या बोलेंगे उसको, ल्यूकोसाइटोसिस, क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। यहाँ पे देखिए ल्यूकोसाइटोपेनिया, क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोपेनिया। इस डिजीज में क्या होता है, तो डिक्रीजेस इन TLC क्या होता है, डिक्रीजेस होता है। नॉर्मली TLC इंक्रीज इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, बट हमारा क्या कह रहा है, इन टाइफाइड एंड एड्स TLC डिक्रीजेस। जब क्या होगा, टाइफाइड जो होगा या एड्स होता है, इस कंडीशन में क्या होता है हमारा कि जो TLC होता है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब इसकी संख्या क्या होगी, घटेगी। तो जब घटेगी तो हमारा कौन सा इन्फेक्शन होगा, या तो हमारा टाइफाइड हो सकता है या एड्स होता है। अगर फोलिक एसिड की भी मात्रा हमारे बॉडी में क्या होती है, कम होती है, तो हमारा क्या होगा, डिजीज होगा। कौन सा डिजीज होगा, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो ल्यूकोसाइटोपेनिया, क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोपेनिया। नेक्स्ट हमारा जो है उसको बोलेंगे लिपमिया। लिपमिया को हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर, क्या बोलेंगे, ब्लड कैंसर। इसमें देखते हैं एबनॉर्मल इंक्रीज इन द TLC, एबनॉर्मल इंक्रीज इन द TLC, इट इज कॉल्ड हमारा ब्लड कैंसर, क्या बोलेंगे उसको, ब्लड कैंसर कहेंगे। इस कंडीशन में मोर देन द 1 लाख, इसकी संख्या कितनी पहुंच जाती है TLC की, 1 लाख से अधिक पहुंच जाती है। इसमें हमारा कौन सा डिजीज होगा, तो लिपमिया होगा, और लिपमिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। यहाँ पे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ द साइटोप्लाज्म, ल्यूकोसाइट्स आर ऑफ द टू टाइप्स, कितने टाइप्स के होंगे, दो प्रकार के। साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक की उपस्थिति के कारण हमारा जो होगा वो ल्यूकोसाइट जो होते हैं, WBC जो होंगे वो दो प्रकार की होती है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगी, ग्रेनुलोसाइट्स, क्या होगी, ग्रेनुलोसाइट्स। इस ग्रेनुलोसाइट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इट मीन्स इसके जो हमारे होगा साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ग्रेन्यूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और इनमें जो आपको बताया, इन देयर साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट, ग्रेन्यूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियस इज मल्टीलोब, न्यूक्लियस क्या होंगे, मल्टीलोब में डिवाइड होते हैं। न्यूक्लियस किस में डिवाइड होंगे, मल्टीलोब में डिवाइड होते हैं। यहाँ पे प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, और इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। अब बात किया जाए कि हमारा जो ग्रेनुलोसाइट्स होगा, ग्रेन्यूल्स मतलब ग्रेनुलोसाइट में ग्रेन्यूल्स, साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होंगे, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे हमारे ल्यूकोप्लास्ट को क्या नाम देते हैं, तो ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। अब ग्रेनुलोसाइट्स कितने प्रकार के होंगे, तो 3 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। तो देखिए 3 टाइप्स के यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, तो एसिडोफिल्स, बेसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, कौन कौन से होंगे, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और कौन से हो जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स। यहाँ पे जो हमारा होगा इसको बोलेंगे हम लोग, एसिडोफिल्स को बोलते हैं इयोसिनोफिल्स, क्या बोलेंगे, इयोसिनोफिल्स, और बेसोफिल्स को बेसोफिल्स से, और न्यूट्रोफिल्स को हम लोग बोलते हैं हेट्रोफिल्स, क्या बोलेंगे, हेट्रोफिल्स। तो आप इसको यहाँ राइट कर लेंगे,
और नेक्स्ट हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट का डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स देखिए, हमारे जो एसिडोफिल्स होता है उसको हम लोग नाम देते हैं इयोसिनोफिल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाएगा? इयोसिनोफिल के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसकी जब हमारे क्या होती है संख्या जो इंक्रीज होती है किसके एसिडोफिल्स की, हमारा इसनोफिलिया डिजीज होता है। कौन सा डिजीज होगा? इसनोफिलिया डिजीज होता है। इस कंडीशन में इसमें न्यूक्लियस जो होते हैं कैसे होंगे? बाइलोब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे और इसकी संख्या जो होती है 300 से लेकर 400 एमएमक्यू में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे देखिए हमारा बेसोफिल्स, बेसोफिल्स जो होता है इसका जो न्यूक्लियस जो होता है कैसा होगा? लार्ज होगा और यस शेप में होता है। किस शेप में होगा? यस शेप में होगा, यस के आकार में होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। कैसा होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। अब इसमें साइटोप्लाज्म कंटेनिंग मस्त है। अब मस्त इसके साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाएंगे? मस्त पाए जाएंगे। अब वो सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करेगा? तो सिक्रीट करेगा हिपेरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करता है? सिक्रीशन करता है, श्रवण करता है। यहाँ पे हमारी बात किया जाए तो इसकी संख्या जो होगी हमारी कितनी होगी बेसोफिल्स की, तो 30 से लेकर 200 एमएमक्यू इसकी नंबर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होता है इसके अंदर न्यूक्लियस होंगे वो मल्टी लोब होंगे। न्यूक्लियस क्या होंगे? मल्टी लोब में डिवाइड होंगे। अब इसमें ये क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मेन फंक्शन क्या होता है? तो डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करेगा? तो जो भी हमारे बैक्टीरिया होगा उसका डाइजेशन करेगा। एज ए हमारा किसका फंक्शन करता है? तो फैगोसाइटोसिस का फंक्शन करता है। किसका फंक्शन करेगा? तो फैगोसाइटोसिस का फंक्शन करता है। यहाँ पे देखिए हमारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, ये डाइजेशन करता है बैक्टीरिया का और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फैगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? फैगोसाइटोसिस। यहाँ पे देखते हैं अब हमारा आता है ग्रेनुलोसाइट्स। क्या आता है? ग्रेनुलोसाइट्स। इस देखिए ग्रेनुलोसाइट्स की बात किया जाए तो इसके साइटोप्लाज्म में हमारा कोई ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एक ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, देखिए हमारा जो WBC होगा उस WBC के साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होगा, तो ऐसे हम लोग ऐसे हमारे WBC को क्या बोलते हैं? एक ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। मीन्स इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होंगे। ये टू टाइप्स के होते हैं, इसको बोलते हैं लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। क्या नाम कहते हैं? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। देखिए ये वेरी बात के साथ तो लिम्फोसाइट जो होते हैं वेरी स्मॉल होंगे, बहुत ही छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब इट इज मेड अप ऑफ द एंटीबॉडीज। क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज हमारा क्या करता है? बॉडी की सुरक्षा करता है। कोई भी हमारा एंटीजन आएगा तो उसको इनएक्टिव कर देगा, उसको नष्ट कर देता है। और पैथोजन जो होंगे, कोई भी पैथोजन बॉडी में इंटर करता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है तो उसको किल करने का फंक्शन जो हमारा कौन करता है? तो लिम्फोसाइट्स करता है। कौन सा करेगा? लिम्फोसाइट करता है। अब बात किया जाए तो इसकी संख्या जो होगी कितनी होती है, तो हमारा कितना होगा? तो 1500 से लेकर 2500 तक एमएमक्यू में इसकी संख्या प्रेजेंट होती है। अब बात किया जाए मोनोसाइट्स, मोनोसाइट जो होते हैं इसकी संख्या जो होगी 200 से लेकर और 800 एमएमक्यू में इसकी संख्या प्रेजेंट होती है। इसका भी क्या फंक्शन होता है? साइटोसिस का फंक्शन करेगा, फैगोसाइटोसिस का फंक्शन करेगा। इट मीन्स हमारे क्या करेगा? बॉडी की सुरक्षा करता है। सुरक्षा किससे करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करेगा। और सबसे बड़ी जो हमारी सेल्स होती है किसकी होगी? ब्लड सेल्स में अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ी ब्लड सेल जो होगी वो कौन सी होगी? मोनोसाइट्स होती है। नेक्स्ट हम लोग की जो टॉपिक होगी वो ब्लड प्लेटलेट्स है।